सी प्रार्थना है। देखिए सावरिया तो मायरा लेकर के आया है, अभी जाजम ढाल के बैठेगा, नानी भाई को पूछेगा कि धीरे धीरे मायरा भरेगा। लेकिन जिस किसी को भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिस किसी को भी मायरे में कुछ देना हो या कुछ मायरे का करना हो, तो कृपया वहां से उठे नहीं। यहाँ से कोई जाएगा उन्हीं को पकड़ा दीजिएगा प्लीज। सब जने लिफ्ट यहाँ ना आवे, यहाँ लेकर के उसी में पत्र पुष्प फल दे दीजिएगा। बहुत सारी चीज मत करिएगा, ले उठ के मायरे में भरने के लिए सारा रंग बिगड़ जाएगा, इसलिए ऐसे मत करिएगा प्लीज। जहाँ कोई किसी को देना हो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जब मायरा भरेंगे तब। अभी तो चढ़ने दीजिए, ठाकुर जी क्या नानी भाई को पूछते हैं, फिर जो मायरा भरेंगे मेरा मायरा लेकर आएगा तब आप जिस चीज को देना है वहां ही दीजिएगा प्लीज। कोई उठे नहीं, नहीं तो मायरे का रंग बिगड़ जाएगा। भगत बचल पहले गांव को उड़ाते हैं, सबसे अंत में नानी भाई को उड़ाते हैं। इसलिए आप शांति से बैठिए, सबको मायरा ठाकुर जी दे देंगे, ना जठानी देवरानी नगर अंजार को देके फिर मायरा नानी भाई को चुनरी ओढ़ाई जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी सबको चुनरी ओढ़ाने के प्लीज जल्दी मत करो, आनंद लो ना, कहां घर भाग के जाना है, आनंद लीजिए। आराम से चुनरी ओढ़ेगी, खूब ठाट बाट से सावरिया से स्वयं पधारेगा, चुनरी ओढ़ाएगा और उसके बाद आप सब लोगों को भी जहां है वहीं मिलेगी। प्लीज मत उठिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग उस समय तो आगे का जो कथा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ी शांति से आज दर्शन करिए। आज इतनी मुश्किल से सावर से इतने दर्शन हो रहे हैं, आप भामिनी सब अपने नेत्रों के मार्ग से भीतर ले जाइए। कैसे कहा था, हे ठाकुर मैं तेरी शरण आया हूँ, हम पूरे 3 दिन से शरणागत की कथा कर रहे हैं। आप सब आज ठाकुर स्वयं पधारा है आपके यहाँ पे, आप सब कृपया इनकी शरण हो जाइए। हो रहेंगे, जोर से तो बोलिए हो जाएंगे। हाँ ठाकुर तुम शरण आए, गुरु नानक ने क्या कहा है हमेशा, ठाकुर तुम शरण आई आया, ठाकुर तुम शरण आए। उगर गया मेरे मन का संशय, उगर गया मेरे मन का संशय, जब से तेरा दर्शन पाया, जब दर्शन पा गया तो मेरे अंदर के संशय सब मिट गए। बाह पकड़ ली नी अपने घर, बाह पकड़ ली नी अपने घर, अंधकूप से मुझे बचाया, अंधकूप से मुझे कह नानक प्रभु बंधन काटे, अरे कह प्राण कह नानक प्रभु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, प्रभु मैं अब शरण आई आया। आपके सामने सावल सेठ है, हम मायरा भर रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी ही विनंती है कि जिसके मन में हो, आज 3 दिन से हम मायरे की कथा नहीं कर रहे, हम शरणागत भक्त की कथा कह रहे हैं। इसलिए आज जिस चीज को शरण जाना है, जो भक्तमाल की कथा मैंने सुनाई, उतना उतना भीतर से आगे सरक करके इनकी बांह इनके चरणों में शरणागत हो जाए, ये उनकी आपकी बांह पकड़ने में देरी नहीं करेंगे। इतनी देर तक तो नरसी जी से तो बात कर ली ठाकुर जी ने, इतनी देर तक नरसी जी से तो बात कर ली, लेकिन नानी भाई से नहीं बात की। उनको लगा देखो घर में बाप आवे भाई आवे तो वीरो की ने कहा पहली पहली बहन ना बता, भाई बात बता दे थारक के चीजें किया हमारे भरनो चाहिए कैसे करना चाहिए सब तू बता दे। पूछा कौन पूछा, पूछा नहीं तो नानी भाई ने बुलायो और सावर सेठ कहो नानी भाई आओ तू पहले मेरे से पूरी बात कर ले, उसके बाद हम मायरा भरेंगे। नरसी जी का तो कुछ पता नहीं है कैसे मायरा भरना, कुछ नहीं करना, फिर नानी भाई को बैठा हर जी जा जमदार यो गज धरती दल चढ़ो, बैठा हर जी जा
पृथ्वी फूली नहीं समाई कि खुद प्रभु मेरे आज तो गोद में बैठ गए हैं। दीना हर जी गली चा पीछा, गली चा पीछा, श्री रंग जी नो आदर दियो। तेरा मन में क्या है? तू इतना दिन से पुकार रही थी, तू थारा मन की बात कह दे, तूने क्या करनो है? और शीश पे हाथ धरते अब सोची ठाकुर जी जिसके शीश पे हाथ धरते उसका क्या हाल होता होगा। अगर घर में कोई बड़ा भी हमारे शीश पे हाथ धर देता है तो हमारा हृदय हदक जाता है। तो ठाकुर जी जिसके शीश पे हाथ धर रहे और बोलो बीरा जी पूछे फैन अपने को उसी समय बता दिया कि मैं थारो बीरो हूँ। खेड़ वेद वरणो छे बात यमी है करा पैरा बनी। किया भात भरनो है और किया पैरावनी करनी। तू थारा सास रवाला ने नगर अंजार का सपना जाने जी को भन बता दे किन बित पैरावनी करा। हे जो बीरा चतुर सुजान चतुर हैं, आपकी चतुराई की हम क्या कह सकते हैं। थे तो पीरा चतुर सुजान, जय हो रे सुजान, भाई ते पूछो बहन ने, रीत सारो भरे दी जो भात, भरे दी जो भात, सदा तो सारो पैरा। फिर भी देखो बहन को ये नहीं समझ में आया, जैसा रीत है वैसा भात भर देना और ताकि सब ताऊ है। जैसे क्या बोलते हैं उन्होंने मालूम नहीं कि कितनी सबदा है क्योंकि देखा तो है नहीं कि क्या मायरा लेके आए। बोले सबदा सारू पैराव नहीं करती जो जितनी ते भर सको। देखो कितना नानी भाई को ये नहीं लगा कि सबदा सारू ताकि कहने भाई कि तो थे पूछो मन भाई कितना चटा मां बाकी सबदा सारू चला दो भाई जितने धाके मन में हो बिंदी चला दो। तो नानी भाई कितनी भोली है वो बोलती है सदा सारू बिरा सदा सारू पैरावनी कर दीजो। तू क्यों भाई मन मुकला मन मुकला मन मान्यो लीजे मारे भाई थारे मन माई सदा सारू पैरावनी। तू भाई क्यों मन छोटो करे मत मन छोटो करे मन मान्यो लीजे मारो। क्या बोल रहे मन मानो लीजे मारो बोले क्या कर? सावल पीनो आयो परे गार उच्छो पाई काये। ए भाई तन्ना ही तो विचार आएगे भाई सावल सा पीनो आयो आज थारे आगे तू क्यों उच्छो मन करे मन मान्यो मांग मन मान्यो मांग। भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी सारे सब काज धनी बने भक्ति नरसी जी की और नानी भाई को देखो जिसके घर में ऐसा एक भक्त बाप हो जाए उसके परिवार का क्या कहना। नानी भाई भले इतनी भगत नहीं थी लेकिन भक्ति किसकी नरसी जी की और ठाकुर नीचे झुक के किससे बात कर रहे हैं नानी भाई से। नानी भाई फिर भी बहुत भोली बोले अच्छा तो मैं बता दी। बोले बता दो बेटा कहीं कहीं देना बता दे। बोले बड़ोड़ी ससों जी ने ताव टूंबे नाय सपना जी ने जरी हंगो थे। अरे बड़ोड़ी ससों जी ने
बेस ले आया उसे एक बेस दे दीजिए। और ससुरा जी है ना वहां का जरी हम तो जरी को कनाक और जरी की आंगी और जरी को बेस ले आया उसी वो बाना दे दीजो। ससुरा जी ने ओढ़ा दीजो दिखाओ जी निशानो दिखा दे नहीं बना सासू जी ने बेस दीजो पूरा ही सा सासू जी ने बेस दीजो पूरा ही सात बेस। बड़ी सासू जी ने तो एक ही बेस दीजो पर मारी सासू रोज मन सुनावेगा बिन सात सात बेस दीजो भाई सात सात बेस बेस है ना ले आया ना ठीक है। जेठ जी ने दीजो ते तो रंग की पोशाक राम जी रंग की पोका की बहने साड़ी दीजो कीमत रुपया ननद खड़ी है की बहने की भाई मतलब ननद बोले ननद मैंने बहुत खोट लिया बोल सुनाई बिना सवा लाख की साड़ी दे दीजो बिना सवा लाख की साड़ी दीजो की भाई ने साड़ी दीजो कीमत रुपया लाख। जय हो जय हो। और तो देखो और तो मैं थाने के बताऊं कुछ नहीं बता सकती हूँ इतना कर दीजिए। लिखी अरे परवाने दीजो सारी बस्ती राम जी दीजो सारी बस्ती नारायण देवर ने थे तो दीजो हिम्मती और नारायण देवर ने थे तो दीजो हिम्मती। और तो जिया चिट्ठी में लिखी है उस तरीके से आप सबको मायरा बढ़ा देना लेकिन मेरी एक बात मानो बीरा जी नारायण देवर ने तो दीजो ही मत ओ मैंने सबसे ज्यादा खोटला सुनाया है नारायण देवर ने मायरो कुछ मत दीजो। भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी सारे सब मुख दियो शीश पे हाथ उसके शीश पे हाथ रखा भाई देवर तालियां हटकी लागे भाई तू क्या बात है सारा दे देवा और देवर ताड़ दे सु हल्के था के ना थर पीर की तन अच्छो लाग सी के देवर ने ताड़ देवा ना ना भाई तू चिंता ना कर सब ना देवगा नागर गुल की नागरी और मिली सब बाम बीरो गावत बिहस मुख ले ले मोहन बस सब लोग नारी जब जाजम ढाल के बैठ गए तब बीरो गानो शुरू किया सखिया मारो मोहन बीरो आयो सखिया मारो मोहन बीरो आयो नानी बाई ने कलश सजायो हां कलश रखा मोती
आपको नमूना दिखाया, अब एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी और दो चार जने जिसको मायरे में देना हो वो उधर चली जाए और दो जन यहाँ खड़ी रहे, मैं नाम लू वो उधर खड़े होकर दिखा दीजिएगा प्लीज। आज तो सावरियो बीरो मायरो क्या क्या मायरे में लिया वो आपको दिखा दिया जाएगा। प्लीज अभी मत उछालिए, प्लीज अभी मत उछालिए। सुनिए बीरा